अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर लेक्चर नंबर 5 पार्ट बी। व्हाट आर इमोशंस और फर्दर इमोशनल लेबर। तो इमोशनल लेबर हम समझते हैं सिचुएशन इन विच एन एम्प्लॉय एक्सप्रेसेस ऑर्गेनाइजेशनली डिजायर्ड इमोशंस ड्यूरिंग इंटरपर्सनल ट्रांजेक्शन, कि लोगों के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उसके अंदर हमने कौन से इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं। इसको मैं आपको समझाने की खातर एक एग्जांपल दूंगा। जस्ट इमेजन एक एयर होस्टेस, चलें अगर आपने एयर ट्रैवलिंग नहीं की, एक बस होस्टेस। आप एक बस पे आपने टिकट ली, बस पे गए या वहाँ पे एक बस होस्टेस होती है, उसका आपके साथ बिहेवियर, आपको वेलकम करती हैं, आपको ड्यूरिंग द जर्नी वो सर्व करती हैं। आप 2 दिन बाद वापस आती है, एक नई बस है, एक नई बस होस्टेस है, लेकिन उसके बिहेवियर में कितना फ़र्क होगा? बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, मोर और लेस वो तकरीबन उनका बिहेवियर सेम होगा। आप कस्टमर सर्विसेज सेंटर पे कॉल करेंगे, उनसे आप कोई डायरेक्शंस लेते हैं, उनसे कोई गाइडेंस लेते हैं, तो उनका बिहेवियर कैसा होगा एक एक शख्स का, दूसरे का, तीसरे का? ऑलमोस्ट सेम होगा, 90 to 95% वो सेम होगा। उनका बोलने का तरीका, उनका आपको ओवरऑल कस्टमर्स को गाइड करने का तरीका, वो यूनिफॉर्मिटी होती है। तो वो कैसे आता है, लोग तो डिफरेंट होते हैं सोसाइटी में, तो ऑर्गेनाइजेशनली डिजायर्ड जो इमोशंस होते हैं सिर्फ वही एक्सप्रेस किए जाते हैं वहां पे। इवन अगर कोई शख्स, कोई कस्टमर उनके साथ बदतमीजी भी करता है, तब भी वो अपने जो इमोशंस हैं उनको, जो एक्चुअल नो डाउट वो गुस्सा फील कर रहे होंगे, उनको भी नाराजगी हो रही होगी, वो माइंड कर रहे होंगे, लेकिन वो सिर्फ वही इमोशंस डिस्प्ले करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशनली डिजायर्ड है, एक्चुअल नहीं। तो इमोशनल लेबर क्या है कि एक शख्स अपने इमोशंस पे किस हद तक कंट्रोल रखता है, क्योंकि डेफिनेटली एक मौका तो आता है, एक पॉइंट आता है जहां पे जाके हम अपना कंट्रोल खो देते हैं। तो बेहतर कौन सा शख्स होगा जो बेहतर तौर पे अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख सके, और ऑर्गेनाइजेशन ने उसको जो इमोशंस डिस्क्राइब करने के लिए, जो इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए कहे हैं, सिर्फ उन्हीं को एक्सप्रेस करे, अपने पर्सनल इमोशंस को वो उसके सामने एक्सप्रेस कभी भी ना करे। इमोशनल लेबर डिफाइंड द एफर्ट, प्लानिंग एंड कंट्रोल needed to express organizationally desired emotions, control, दोबारा से देखें कि आप अपने पर्सनल आप इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, कितना बेहतर आपका कंट्रोल है। ऑर्गेनाइज द एफर्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल needed to express organizationally desired emotions during interpersonal transactions। इमोशनल लेबर में क्या इशू आते हैं, ट्रू इमोशंस लीक आउट, इंसान है, जितना भी आप अपने इमोशंस को हाइड करें, लेकिन फिर भी समटाइम्स जो कुछ चीज़ें हमारे इंटरनली चीज़ें चल रही होती हैं वो ओवरऑल हम लीक आउट हो जाती हैं, सामने नज़र आती हैं, स्पेशली विद लो इमोशनल अडेप्टेबिलिटी, ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ जिनकी इमोशनल अडेप्टेबिलिटी बहुत लो होती है, वो ज़्यादा तेज़ी से लोगों को ओवरऑल अपने इंटरनल इमोशंस दिखा देते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर नहीं होते। सेकेंड, इमोशनल डिसोनेंस कॉजेज स्ट्रेस। इमोशनली अगर एक शख्स ज़्यादा स्टेबल नहीं है, कभी वो कुछ होता है, दूसरी बार आपसे मिले हो किसी दूसरी तरह बिहेव कर रहा होता है, उसे ओवरऑल लोगों को परेशानी होती है, स्ट्रेस फील होती है। और फाइनली डिस्प्ले नॉर्म्स वेरी अक्रॉस कल्चर, डिफरेंट कल्चर्स में लोगों का इमोशंस को डिस्प्ले करने का तरीका का डिफरेंट होता है। अगर हमारे इवन विद इन पाकिस्तान आप बात करें, हमारे पंजाब में लोगों से बात करने का, उनको अदब एहतराम इज्जत देने का हमारे कुछ डिफरेंट किस्म के नॉर्म्स हैं। आप किसी दूसरे सिटी में चले जाएं, अगर आप पेशावर में हैं, तो वहाँ पे आपके नॉर्म्स कुछ डिफरेंट होंगे, वो उनके कुछ डिफरेंट किस्म के वो एस्पेक्ट्स होंगे जिसके ज़रिए वो लोगों को ऑनर देंगे, लोगों से बात करेंगे, मेल टू फीमेल इंटरेक्शन कैसा है, ये सारी चीज़ें कल्चर टू कल्चर वेरी करती हैं, एक मुल्क में भी और फर्दर इंटरनेशनली भी। पाकिस्तान में ये चीज़ें डिफरेंट होंगी, चाइना में डिफरेंट होंगी, मिडल ईस्ट में डिफरेंट होंगी। फेल्ट वर्सेस डिस्प्लेड, फेल्ट इमोशंस एंड इंडिविजुअल्स एक्चुअल इमोशंस। अगर एक बस होस्टेस है, अगर एक कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव है, आप उसके साथ बदतमीजी करेंगे, तो डेफिनेटली उसे भी गुस्सा आ रहा है, ये उसके फेल्ट इमोशंस हैं जो हर इंसान के सेम होते हैं। लेकिन डिस्प्लेड इमोशंस क्या होंगे, इमोशंस दैट आर ऑर्गेनाइजेशनली रिक्वायर्ड एंड कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट इन अ गिवन जॉब। लेकिन असल बात यह है कि हम डिस्प्लेड इमोशंस पे बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ने उसको किस तरह के इमोशंस डिस्क्राइब करने का कहा गया है, कि ओवरऑल आपने कौन से इमोशंस डिस्क्राइब करने हैं, कौन से इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं। बेशक आपको गलत भी चीज़ें फील हो रही हैं, लेकिन आपको उसको हाइड रखना है। इमोशन डायमेंशंस, इमोशन ओवरऑल इसकी डायमेंशंस क्या है, किस तरह हम इसको समझ सकते हैं, वैरायटी ऑफ इमोशंस। एक तो ये चीज़ के किस तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं,
ठीक है, ये चीज तो हम समझते हैं कि इमोशंस समटाइम्स हमारे पॉजिटिव होते हैं, समटाइम्स नेगेटिव होते हैं। देन इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस, कुछ लोगों में ये बहुत ज्यादा शदीद होते हैं, पर्सनैलिटी बेस्ड हैं, और कुछ की जॉब रिक्वायरमेंट्स, समटाइम्स जॉब रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसी होती है कि उसमें आपने ओवरऑल अपने इमोशंस को हमेशा हर वक्त हर हाल में स्टेबल रखना होता है। देन फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ इमोशंस, हाउ ऑफन इमोशंस आर एग्जिबिटेड एंड हाउ लॉन्ग इमोशंस आर डिस्प्लेड। फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ इमोशंस, कितनी बार और कितने लंबे अरसे के लिए। यहाँ पे हमने कुछ टाइप ऑफ इमोशंस को एनलिस्ट किया है, काफी सारे हैं, इसके अलावा भी इवन बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। एंगर होता है, कंटेम्प्ट होता है, फियर, फ्रस्ट्रेशन है, हैप्पीनेस है, हेट है, होप, जेलसी, जी जेलसी भी होती है, ये भी इंसान में समटाइम्स होती है, जॉय, लव, प्राइड, सरप्राइज, सैडनेस, एंथुसिज्म, ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ इमोशंस हैं जो मुख्तलिफ औकात में हम फील करते हैं। ओवरऑल हम इन चीजों को रियल लाइफ में फील कर रहे होते हैं। इनको फर्दर समझने के लिए इनको हमने कैटेगराइज किया होता है, 10-12 तरह के, 15 तरह के इमोशंस हैं, तो उनको हमने कैटेगराइज कर लिया है। जरा देखते हैं, हैप्पीनेस, खुशी, सरप्राइज, ओवरऑल सरप्राइज फील करना कि वाह ये कैसी अजीब बात हुई, ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कम चीज भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, ज्यादा आ गई, सरप्राइज हो गए, इनाम निकल आया। फेयर, डर, ये भी एक इंसान का बेसिक जो यूनिवर्सल इमोशन है उनमें से एक बेसिक इमोशन है। सैडनेस, मेलनकॉली या सैडनेस, फीलिंग सैड, ये भी हमारा एक ओवरऑल जो बुनियादी हमारी जबिलत है या इंसान के अंदर जो बेसिक उसकी इमोशंस रखेंगे उनमें से एक है। एंगर, गुस्सा, गुस्सा भी हर इंसान में होता है, आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों में गुस्सा आने का जो पॉइंट होता है वो बड़े जल्दी आ जाता है, उनको हम शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं, कुछ जरा हार्ड टेम्पर्ड होते हैं, उनको आप जल्दी गुस्सा नहीं दिला सकते, वो बहुत कूल माइंडेड होते हैं, बड़े तहमुल और बुर्दबारी के मालिक होते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे जाके वो भी बॉयल कर जाते हैं, जिस तरह पानी का बॉइलिंग पॉइंट है इस तरह लोगों का भी बॉइलिंग पॉइंट होता है। और फाइनली डिसगस्ट, आप समटाइम बड़ा अजीब यार क्या इस बंदे ने, जिसको हम कहते हैं ना यार खच मारी है, क्या फजूल हरकत की है, मतलब वो अलग सी एक फीलिंग होती है, वो गुस्सा भी नहीं होता, सैडनेस भी नहीं होती, बड़ी अजीब सी अलग सी एक फीलिंग होती है डिसगस्ट। तो इमोशंस का कॉन्टिनम या किस तरह ये किस एक से दूसरे में ये ट्रेवल करते हैं, द क्लोजर एनी टू इमोशंस आर टू ईच अदर ऑन द कॉन्टिनम द मोर लाइकली पीपल आर टू कन्फ्यूज देम, कि अगर ये जितने एक दूसरे के आसपास बिल्कुल उसके क्लोजली एसोसिएटेड होंगे तो लोग इनको समझने में समटाइम्स गलती कर जाएंगे। हैप्पीनेस, सरप्राइज, फियर, सैडनेस, एंगर, डिस्कस, ये इनका एक लॉजिकल सीक्वेंस है जी। Let's have a close look on this picture. जरा गौर से इस पिक्चर को देखें, एक ही चेहरा है, डिफरेंट इमोशंस हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं चेहरे के तासुरात से, आंखों से और उनके मुंह से और ओवरऑल बाकी फेशियल एक्सप्रेशन से। वन बाय वन जरा देखते हैं, टॉप राइट पे, टॉप लेफ्ट टू टॉप राइट, सबसे पहला न्यूट्रल, ना खुश है ना परेशान है ना कुछ, कोई खास एक्सप्रेशन नहीं, नॉर्मल, जिस तरह मैं हूँ इस वक्त, आप हैं, नॉर्मल होते हैं समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम हम। देन टॉप मिडल में सरप्राइज, ओए ये क्या हुआ। देन हैप्पीनेस, दांत निकाल रहे हैं फिजिकली, हम कह रहे हैं भाई दांत ना काट, तो ये बेसिकली दांत निकाल रहे हैं, तो ओवरऑल हम हैप्पीनेस फील कर रहे हैं। देन बॉटम पे पहला फियर, डर है। Then sadness, middle में देखिए चेहरे के expressions किस तरह बदल रहे हैं। Finally anger, गुस्सा, ये overall six हमारे universal emotions हैं जो हमारे face से overall लोगों को समझ आ जाते हैं कि भाई ये तो टीचर आज पता नहीं लड़के आया किसी से, आज तुम्हारी ख्याल नहीं है, overall body language या facial expression से हम लोगों को समझ पाते हैं। तो इमोशंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इनका ताल्लुक क्या है, चीज़ों को हम समझ चुके हैं, वो इनको ज़रा समराइज करते हैं कि इनका आपस में ताल्लुक क्या है। पहली चीज़, इमोशनल लेबर। इमोशनल लेबर क्या है कि एक शख्स का अपने इमोशंस पे कितना बेहतर कंट्रोल है, जितना उसका बेहतर कंट्रोल होगा उतना ही वो ओवरऑल अपने फील्ड में एक्सेल करेगा। चलिए यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं।
हमारे सब कॉन्टिनेंट इंडो पाक में एक बहुत बड़े पहलवान, बहुत बड़े रेसलर गुजरे हैं जिनको रुस्तम-ए ज़मां का लकब दिया गया कि अपने ज़माने के वो रुस्तम है। रुस्तम ईरान का एक बहुत बड़ा पहलवान था जो अनडिफीटेड, सारी उम्र अनडिफीटेड रहा। तो रुस्तम-ए ज़मां के आज के ज़माने का रुस्तम, उनका नाम था गामा ग़ुलाम मोहम्मद और उनको कहते थे रुस्तम-ए ज़मां गामा पहलवान। एक बार आम बाज़ार में जाते हुए किसी शख्स ने उनके सर में कोई चीज़ मार दी, उनके सर से खून बहना शुरू हो गया। अब लोग बड़े परेशान हो गए, ये तो रुस्तम-ए ज़मां है, गामा पहलवान जो इसकी पूरी दुनिया में एक नाम है, आज तक इसको कोई हरा नहीं सका, तो इसने एक आम बंदे ने इसके सर में कोई चीज़ मार दी है, ज़ख्मी हो गया, तो अब ये तो नहीं छोड़ेगा उसको। तो उन्होंने उसकी तरफ देखा चुप करके, उसको वो चल दिए वहाँ से। एक शख्स ने उसको थोड़ा सा कंटेम्प्ट दिलाई कि भाई ये इसने आपके साथ इतना कुछ किया है, आप कैसे पहलवान हैं, आपने कुछ कहा ही नहीं है, आप तो रुस्तम-ए ज़मां हैं, हमने सुना है आपको आज तक कोई हरा नहीं सका और यहाँ से आप खामोशी से जा रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा जी मुझे मेरी कुव्वत ने नहीं, मेरी बर्दाश्त ने मुझे रुस्तम-ए ज़मां बनाया है। तो बेसिकली क्या है कि किस हद तक आप इमोशंस को बर्दाश्त करते हैं, कितनी जल्दी आप फट पड़ते हैं, ये नहीं, कितना बेहतर आप में बर्दाश्त है। फाइनली फेल्ट इमोशंस जो आप फील कर रहे हैं और डिस्प्लेड इमोशंस जो आप ओवरऑल दिखा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कहा है कि आपने किस तरह के इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं। कैन पीपल बी इमोशनलेस? क्या ख्याल है आपका, लोग इमोशनलेस हो सकते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। एक ग्रीक टर्म है एरेक्सिडीमिया, ग्रीक टर्म है जिसका मतलब है लैक ऑफ इमोशंस, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि लोग इमोशनलेस होते हैं। फिर फर्दर इसकी एक अहम चीज़ जिसको हम डिस्कस करें, जेंडर एंड इमोशंस। ओवरऑल स्टडी हमें क्या बताती है कि इमोशंस का जेंडर से क्या लिंक है। वीमेन कैन शो ग्रेटर इमोशनल एक्सप्रेशंस, एक्सपीरियंस इमोशंस मोर इंटेंसली, ज़्यादा इंटेंस होती है उनकी इमोशनल फीलिंग्स, डिस्प्ले इमोशंस मोर फ्रिक्वेंटली, बार बार इमोशंस दिखाते हैं, आर मोर कम्फर्टेबल इन एक्सप्रेसिंग इमोशन, बड़ी आसानी से बता देते हैं कि आज मैं ये फील कर रहा हूँ, आज मैं ये फील कर रही हूँ और आज ऐसे इश्यूज है। वीमेन आर बेटर एट रीडिंग अदर्स इमोशन, जी जितनी इनमें इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है उतनी वो दूसरे की इमोशनल जो ओवरऑल उसकी रीडिंग्स होती हैं उनको बेहतर समझ लेती हैं कि दूसरा इमोशनली कैसा है। मैन बिलीव दैट डिस्प्लेइंग इमोशंस इज इनकंसिस्टेंट विद द मेल इमेज, कि भाई मैं अगर डरना शुरू कर दूंगा तो ये तो मेरी जो मर्दानगी है उस पर एक ना हर्फ आ जाएगा, तो उनका एक थोड़ा सा इमोशनल इशू होता है। आर इननेटली लेस एबल टू रीड एंड टू आइडेंटिफाई विद अदर्स, जब वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते तो वो इस काबिल भी नहीं होते कि दूसरों के इमोशंस को समझ सकते हैं। वुमेन फौरी तौर पर चूंकि वो खुद एक्सप्रेस करती हैं बार बार, तो वो दूसरों के इमोशंस को भी बड़ी अच्छी और बड़ी जल्दी तौर पर समझ लेती हैं। Men have less need to seek social approval by showing positive emotion. तो ये ओवरऑल उनको socially भी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते men. Emotional intelligence, finally, emotional intelligence refers to an assortment of non-cognitive skills, capabilities and competencies that influence a person's ability to succeed in coping with environmental demands and pressures. कि overall environmental और जो pressures हैं या demands हैं उसको कितनी बेहतर तौर पे वो टैकल कर रहा है। एक ऑफिस है उसमें एक एम्प्लॉय है, उस पर उसका एक बॉस उससे कोई चीज़ मांग रहा है, बाहर लोगों की लाइन लगी हुई है, उसका फ़ोन भी बज रहा है, उसके घर भी जल्दी जाना है, हर साइड से उस पर प्रेशर है। तो अब उस प्रेशर को, उस इन्वायरमेंटल डिमांड्स को कितना बेहतर तौर पर टैकल कर सकता है, ये है ओवरऑल उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस, कि कितना वो इमोशनली इंटेलिजेंट है, वो प्रेशर को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। इमोशनल इंटेलिजेंस की डायमेंशन सेल्फ अवेयरनेस, इंसान खुद को समझता है मैं क्या हूँ, मुझे किस तरह मैंने अपने आप ज़िंदगी गुजारनी है। सेल्फ रेगुलेशन, इंसान खुद को रेगुलेट करना शुरू करता है कि भाई मैंने अगर सोचा है मैंने सुबह फजर से पहले उठना तो मैं उठूँगा। सेल्फ मोटिवेशन, आपकी मोटिवेशन की चाबी जनाब किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास नहीं होती, आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं कि भाई क्लास हुई है या नहीं हुई, हमें पढ़ना है। एम्पैथी, एम्पैथी क्या है बेसिकली, कि आप खुद को दूसरे शख्स की जगह पर रख के सोचते हैं कि भाई मैं अगर इसकी जगह पे होता तो मैं क्या करता हूँ। और फाइनली हमारी सोशल स्किल्स, कि हम लोगों के साथ कितने बेहतर तौर पे काम कर सकते हैं। एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन इमोशंस, इमोशंस पे जो एक्सटर्नल बैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस कर रही होती है हमारे इमोशंस को। सेकेंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, एक कल्चर में एक से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही होती है, तो एक तो हमारा कल्चर हमें इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, दूसरा उस कल्चर के अंदर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है वो भी हमें इन्फ्लुएंस कर रही है। तो इन दोनों चीज़ों से मिलकर ये हमारे ओवरऑल एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट सामने आते हैं जो हमारे इमोशंस को इफेक्ट करते हैं।
OB applications of understanding emotions, ability and selection, decision making, motivation, ये basically कुछ fields हैं organizational behavior की जिनमें emotions का applications होती हैं, जिनमें emotions को हम समझते हैं कि overall अगर हमने इन fields के अंदर लोगों को appoint करना है, लोगों को places देनी है, तो उनको हमने emotionally stable लोगों को appoint करना है. ये भी उसी की continuation है. Finally, emotions in the workplace. Intensity of emotions, कितनी शिद्दत है. Frequency, कितना बार बार आ रहा है. और duration, कितने लंबे अरसे तक हम emotions feel करते हैं. Gender and emotions को हमने समझा कि भाई male to female emotions में क्या difference होता है. Male में emotions कैसे होते हैं, females में. और emotionless people, कैसे लोग होते हैं जिनमें emotions नहीं होते. This is all about our first lecture. See you again, inshallah. Thank you.